तो दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो एवरीवन, स्टडीज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है सितंबर 5th 2018 और डे है वेडनेसडे। और आज का जो दिन है वो स्पेशल है क्योंकि आज है टीचर्स डे। तो मेरी तरफ से जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी अध्यापक हैं, उनको हैप्पी टीचर्स डे। छोटा सा जेस्चर्स होता है जो हम हमारे टीचर्स को कहने की कोशिश करते हैं कि हम आज जो भी हैं, जिस शेप में हैं, वो आप सबकी वजह से ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू से। और सबसे पहले पेज पे आपको दो पर्सन इन न्यूज़ की खबरें मिलती हैं। पहली न्यूज़ है कि नए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं एंड पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, नाम याद रखना। इसके साथ साथ अगली जो यहाँ पे न्यूज़ है वो ये है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दीपक मिश्रा, उन्होंने जस्टिस गोगोई को नेम कर दिया है एज हिज सक्सेसर। तो यहाँ पे जो जस्टिस रंजन गोगोई हैं वो हो सकते हैं 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी जो चीफ जस्टिस है, जो कलीजियम है, उसने रिकमेंडेशन दे दिया है और अब रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगी, उसके बाद फाइनल अप्रूवल हमारे सामने आएगा। याद रखना, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं जस्टिस रंजन गोगोई, तो उनका जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा 13 महीने का, 13 मंथ्स का, फ्रॉम October 3rd 2018 टू November 17th 2019। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने यहाँ जो अब चुनाव किया है वो ऑन दी बेसिस ऑफ सीनियोरिटी बेसिस पे किया है। अब सीनियोरिटी बेसिस पे करना ज़रूरी नहीं होता, ये बेसिकली कन्वेंशन चला आ रहा है जब से हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी है तभी से ही, तो इसी वजह से इनका चुनाव भी किया गया है। तो दो पर्सन इन न्यूज़ की यहाँ पे खबरें थी। यहाँ पे पहले पेज पे जो इंपॉर्टेंट आपको खबर मिलती है वो है गूगल टू हेल्प इलेक्शन कमीशन टू ट्रैक पॉलिटिकल एड्स। तो देखो, अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग भी करवाई थी जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वाइट किया गया था। उस मीटिंग के अंदर बड़ा सवाल ये था कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन है वो रैलीज के ऊपर होता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे प्रिंट मीडिया के ऊपर नहीं होता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होता है। तो उन रेस्ट्रिक्शन को किस तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंशियल रोल जो प्ले करता है वो सोशल मीडिया करता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या यूट्यूब की वीडियोज़ हो। तो उन सब को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत सारे सवाल थे, और उन सवाल के सॉल्यूशन में उन्होंने सोचा है कि अब गूगल को साथ में पार्टनरशिप में लिया जाए और कोई एक नई चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाए। तो गूगल हेल्प करेगा इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल एड्स को ट्रैक करने के लिए। तो देखो, गूगल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एडवर्टाइजिंग मार्केट में गूगल का बहुत ही बड़ा शेयर है। खासकर अगर इंडिया के अंदर देखें तो हर कोई गूगल का इस्तेमाल करता है, गूगल की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करता है, और वहाँ पे जो एड्स लगते हैं उनको भी डील गूगल ही करता है। गूगल की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी मदद से गूगल ऐड लगाता है। अब उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने सोचा है कि हम लोग गूगल के साथ टाई अप करेंगे। अब टाई अप यहाँ पे दो चीज़ों के लिए किया जाएगा। पहली चीज़ ये है कि जो एड्स पॉलिटिकल पार्टी चला रही हैं, क्या उन्होंने प्री सर्टिफिकेशन लिया है या नहीं। किसी भी ऐड को चलाने से पहले इलेक्शन कमीशन को वो ऐड दिखाकर उससे कुछ सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं कि हाँ, आपका जो ऐड है वो कोई भी चीज़ों को वायलेट नहीं कर रहा है। तो प्री सर्टिफिकेशन का मुद्दा है यहाँ पे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन गूगल से ये भी पता कर पाएगी कि किस ऐड में कितने पैसे लग रहे हैं। आपको पता होगा कि हर एक इंडिविजुअल जो कि इलेक्शन में खड़ा होता है उसे अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर दिखाना पड़ता है। उसके अंदर जो सोशल मीडिया के अंदर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको इंक्लूड अभी तक नहीं किया जाता था, पर अब उसको इलेक्शन कमीशन ट्रैक कर पाएगा और उसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया में आपका कितना खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी बोला कि इससे पहले भी हमारे गूगल के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत हुई, और यहाँ पे सेक्शन 126 जो कि इलेक्शन साइलेंस से डील करता है, इसके साथ साथ और भी प्रोविजंस हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के, जिनके ऊपर नज़र रखी जा रही है कि उनको मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ किस तरीके से लिंक की जाए। अब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे अभी तो सिर्फ गूगल से बात करी है, पर अभी फेसबुक से भी कुछ दिनों पहले यहाँ पे इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई थी, और फेसबुक को भी यही बोला गया था कि आप भी कोई इस तरीके का टूल डेवलप करो जहाँ हम लोग ट्रैक कर सकें उन पॉलिटिकल कैंपेन्स को जो कि पॉलिटिकल पार्टीज चला रही हैं या उनके कैंडिडेट्स चला रहे हैं,
कोई भी जो जो प्रोटोकॉल है, कोई भी जो चीज़ है, रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी एडवर्टाइजमेंट में होने चाहिए, वो वायलेट नहीं होने चाहिए, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। इसलिए इलेक्शन कमीशन ट्रैक करना चाहती है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला है प्री सर्टिफिकेशन और दूसरा है यहाँ पे कि आपके एक्सपेंस कितने हो रहे हैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो जो पोल रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको ट्रैक करा जाएगा, ये कह रहा था ये आर्टिकल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। नेशन वाला ये पेज है और यहाँ पे आपको एक न्यूज़ मिलती है, स्टेट पैनल टू ट्रैक हिप इम्प्लांट पेशेंट्स। तो यहाँ पे पहले न्यूज़ का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो। न्यूज़ कह रही है बेसिकली यहाँ पे हिप इम्प्लांट मैन्युफैक्चरर जो कि है डेप्यू ऑर्थोपेडिक्स, जो कि एक सब्सिडियरी कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन्स की। जॉनसन एंड जॉनसन बनाता है आर्टिकुलर सरफेस रिप्लेसमेंट जो कि हिप इम्प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या हुआ, पूरी दुनिया में 2010 के अंदर एक रूमर फैला और ये बहुत असलियत में भी प्रूव होता हुआ चला गया। अब जो रूमर था और जो असलियत में प्रूफ हुआ वो ये था कि जो हिप इम्प्लांट लगाया गया था उसके अंदर जो मेटल का इस्तेमाल किया गया था वो मेटल कोरोड होने लगा था। वो मेटल के कोरोजन के कारण बॉडी के अंदर भी कुछ जो मेटल्स हैं वो फैलने लगे थे और बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस का अटैक होने लगा था। बॉडी कमज़ोर होने लगी थी, इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब होने लगा था और यहाँ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा होने लगा था। उन हिप इम्प्लांट्स जो चीज़ें हैं जो हम ASR कह रहे हैं, आर्टिकुलर सरफेस रिप्लेसमेंट, जो कि जॉनसन जॉनसन मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद जॉनसन जॉनसन ने इसके ऊपर काम करना चालू किया और फाइनली जॉनसन जॉनसन ने फैसला लिया कि जो हिप इम्प्लांट्स हुए हैं उन पेशेंट्स को बुलाया जाएगा, उनको रिप्लेस किया जाएगा, एज वेल एज उन्हें कुछ कंपेंसेशन भी दिया जाएगा। पर अगर आप देखोगे अभी तक सिर्फ 1080 ऐसे लोग थे जो कि वहाँ तक पहुँचे और रिप्लेसमेंट हुआ और उन्हें कंपेंसेशन दिया गया। अब ये जो केस है ये न्यूज़ में कब आया, 2011 के अंदर, जब महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएट किया जॉनसन जॉनसन के खिलाफ एक FIR दर्ज कराकर। अब यहाँ पे आज की डेट में क्या हुआ है, क्या न्यूज़ हमारे सामने आई है, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक स्टेट लेवल कमेटी बना दी है। अब स्टेट लेवल कमेटी के अंदर दो ऑर्थोपेडिक्स होंगे, एक यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट होंगे जो कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेट करेंगे, यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के और ड्रग कंट्रोलर जो कि हर एक स्टेट के अंदर होता है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इस कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। बेसिकली इस कमेटी का काम क्या होगा कि जो पेशेंट्स हैं उनके पास तक पहुँचना, उनको बताना कि अगर आपका इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में हिप इम्प्लांट हुआ है तो आप अपना टेस्ट कराओ और देखो कि आपने जॉनसन जॉनसन का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप कंपेंसेशन ले सकते हो। इसके साथ साथ ये जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया है और भी बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं सेंट्रल एक्सपर्ट कमेटी और रीजनल एक्सपर्ट कमेटी जो कि डिटरमाइन करेंगी कि कंपेंसेशन का क्वांटम कितना होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि कंपेंसेशन का जो क्वांटम है, मतलब कंपेंसेशन का जो पैसा है वो कम से कम 20 लाख रुपये होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर चीज़ थी क्योंकि देखो यहाँ पे ख़राब चीज़ मैन्युफैक्चर हुई जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लगाई गई, जिसने कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुँचाना चालू कर दिया। इसके साथ साथ आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उनको मिस करके आप लोग जो साइड में क्लॉजेज वाला सेक्शन है उस पर देख सकते हो। क्लॉजेज क्या है कि देखो पहली जो सर्जरी है जो ASR ने कंडक्ट करी थी, जॉनसन जॉनसन के ASR के अंडर कंडक्ट हुई थी, वो थी 2006 में। तो 2006 के बाद ही यहाँ पे लोग एप्लीकेबल होंगे। इसके साथ साथ जो पेशेंट्स हैं दे मस्ट बी इम्प्लांटेड विद ASR विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सर्जरी, पहली सर्जरी के 10 साल के अंदर अंदर उनका इम्प्लांट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसी के नीचे आपको दो और न्यूज़ मिलती हैं जो कि हमारी जुडिशरी से लिंक करती हैं। पहली न्यूज़ है कस्टोडियन डेथ, जो डेथ हो जाती है पुलिस की कस्टडी के अंदर उससे रिलेटेड एक यहाँ पे वर्डिक्ट सुनाया गया है। बेसिकली पहले बात करते हैं केस क्या था, तो केस ये था कि महाराष्ट्र पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस चल रहा था कि एक कस्टोडियन डेथ हो गई थी 1993 के अंदर। तो यहाँ पे जो उनकी सज़ा थी वो 3 साल की थी, उनको उसको सज़ा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बी यू एवर सो हाई द लॉ इज़ ऑलवेज अबव यू, आप कितने ही ऊँचे हो जाओ पर कानून आप सबसे बड़ा रहता ही है। और यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस को रियलाइज़ करना चाहिए कि असलियत में डेमोक्रेसी होती क्या है। और यहाँ पे पुलिसिंग डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दिया जा गया है। पुलिस का भी पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है, अगर कोई पर्सन कस्टडी में है तो उसके राइट्स का ख्याल रखना, उसके ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना, उसकी उसको प्रोटेक्शन देना, उसको सिक्योरिटी देना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसी के साइड में आपको एक और आर्टिकल मिलता है, पोस्ट केरला फ्लड्स
एनजीटी स्टेज ईसी, तो जो वेस्टर्न घाट्स की जो इकोलॉजी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो दिए जाते थे उसके ऊपर रोक लगा दी है, क्योंकि वो हमारे इको सेंसिटिव एरियाज को इफेक्ट कर रहे थे। ये जो न्यूज़ थी ये मैंने आपके साथ कल और परसों भी डिस्कशन में ली थी। इसी के साथ नीचे आपको न्यूज़ मिलती है जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से रिलेट करते हुए न्यूज़ है, जीएम मस्टर्ड ट्रायल्स मे गेट नॉट सून। देखो ये न्यूज़ समझने से पहले आपको दो चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। पहली जो चीज़ है वो है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी है क्या? देखो GEAC एक अपेक्स बॉडी है, वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका काम है रेगुलेट करना, मैन्युफैक्चर करना, यूज़ देखना किस तरीके से हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखना किस तरीके से हो रहा है उन सारे हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एज वेल एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करना, मैन्युफैक्चर करना, उनके यूज़ को देखना, उनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को देखना, एज वेल एज ये टेक्निकल अप्रूवल भी देते हैं फील्ड ट्रायल्स के लिए। याद रखना फाइनल अप्रूवल नहीं देखते हैं, फाइनल अप्रूवल कौन देगा? फाइनल अप्रूवल देगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पर यहाँ पर जो टेक्निकल अप्रूवल होता है और या जो फील्ड ट्रायल्स के लिए, कि फील्ड में जाकर आप ट्रायल दे सकते हो कि आपने जो बनाया है GM टाइप ऑफ क्रॉप वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, किसी को नुकसान पहुँचा रहा है या नहीं, तो उसको टेक्निकल अप्रूवल इनिशियल स्टेज में GEAC दे सकता है। अब यहाँ पर बात हो रही है DMH11 की। तो बेसिकली DMH11 एक ट्रांसजेनिक मस्टर्ड है, ओके तो बेसिकली ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड की। तो जो हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड है उसकी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है और इसको बनाया गया है फ्रॉम बन्नौर और बस्तर टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे कुछ सॉइल बैक्टीरियाज थे जिनको यहाँ पे मैचिंग कराई गई है, यहाँ पे उनके जो जीन्स हैं उनको मॉडिफाई कराया गया है और जो सॉइल बैक्टीरिया है उससे ये कहीं ना कहीं एक सेल्फ पॉलिनेटिंग यहाँ पे ये क्रॉप हो गई है। DMH11 खुद से पोलिनेट कर पाती है। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि एक स्पेशल मीटिंग हुई थी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, हमारी GEAC की एक स्पेशल मीटिंग हुई और उसने डिसाइड किया गया कि फील्ड ट्रायल का अप्रूवल दे दिया जाए कंट्रोवर्शियल ट्रांसजेनिक मस्टर्ड को, जिसको डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स CGMCP के। अब बेसिकली मेन यहाँ जो चीज़ है वो ये है कि जो हनी भी है उसके ऊपर किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है DMH11 का, इस पर्टिकुलर मस्टर्ड के प्लांट का, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है कि जो कमर्शियल कल्टीवेशन होगा वो कहीं ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए इकोसिस्टम को। यही है और यहाँ ये भी बोला गया है कि हमारे पास अभी कोई पूरी तरीके से डेटा नहीं है कि हनी भी इसको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है और भी जो पॉलिनेटर्स हैं उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी या पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसीलिए फील्ड ट्रायल को अभी एक इनिशियल अप्रूवल फिर से दे दिया है। तो फिर से फील्ड ट्रायल चालू होगा, पहले भी फील्ड ट्रायल यहाँ पे हो चुका है। इसके साथ साथ जो CGMCP की जो टीम है उसने प्रपोज किया है कि एंडोसल्फाइन जो है जो एक बैंड पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल चालू कर दिया जाए, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, जस्ट ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस जो एंडोसल्फान है जिसको बैन किया गया है, जो कि बैंड पेस्टिसाइड है, उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा उस फील्ड के अंदर जहाँ पे DMH11 को लगाया जाएगा फील्ड ट्रायल्स के लिए। इसके साथ साथ जीएम मस्टर्ड जो है वो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है और वो बहुत सारी और गाइडलाइंस भी फॉलो कर रही है जो कि मिनिस्ट्री ने यहाँ पे प्रोवाइड करी थी। सती साइंटिस्ट्स के और यहाँ पे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, उनके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो एनवायरमेंट और जो हेल्थ रिस्क है वो कहीं ना कहीं बढ़ ना जाए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो हमारी यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकती हैं, बाकी सारी चीज़ें बता सकती हैं, वो यहाँ पे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट हो सकती हैं, क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट हो सकती हैं, पर मेन चीज़ क्या है कि वो हमारी हेल्थ के ऊपर ना नुकसान पहुँचाए, ठीक है। इसके साथ साथ अभी तक ये भी कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुई है कि यील्डिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी जो हम ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी यील्डिंग बहुत ही बेहतर हो रही है। तो यहाँ भी बहुत बड़ा सवाल है कि यील्डिंग के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा नई वाली फील्ड ट्रायल के बाद। और यहाँ पे जो GM क्रॉप है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है ऑन ग्लाइफोसेट, जो कि एक वीडिसाइड है जो कि कैंसर से लिंक है। तो
यहाँ पे कैंसर होने के भी जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं, ऐसा कहना है कुछ साइंटिस्ट का। तो ये एक न्यूज़ थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ, न्यूज़ वाले ये सेक्शन। और यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ मिलती है 2+2 एड्रेस US इश्यूज ऑन ईरान रशिया। तो 2+2 डायलॉग होने वाला है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। 2+2 क्या है, हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और उनके काउंटर पार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे बड़े बड़े मुद्दों पे। अब यहाँ पे कुछ मुद्दों को यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है उन चीज़ों के अलावा जो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कशन में ले चुका हूँ। देखो तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं वो ये है कि जो काटसा है हमारा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब पहली बात समझो कि काटसा क्या है, बहुत ही ब्रीफ में, काटसा एक्ट लगाए गए हैं कुछ सैंक्शंस ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, और जो भी यहाँ पे कोई देश है जो कि इन तीनों देशों के साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है मिलिट्री बेसिस पे, उनके ऊपर भी यहाँ पे कुछ सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो काटसा के ऊपर भी बात की जाएगी क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं इस काटसा की वजह से। पर देखो यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन दे दी थी कि इंडिया जो S-400 लेने वाला है रशिया से वो ले सकता है और इंडिया के ऊपर कोई भी यहाँ पे सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। तो काटसा एक्ट के ऊपर यहाँ पे बात हो सकती है 2+2 डायलॉग के अंदर। इसके साथ साथ जिस तरीके से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं और जीरो आउट करने को बोला गया है इंडिया को कि आप जो ईरान से यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट करते हो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो बाय नवंबर, उसके ऊपर बात होने वाली है क्योंकि इंडिया चाहता है कि जो उसका जो छाबार पोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट ना हो क्योंकि हमारे लिए छाबार पोर्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमने कॉमकासा पहले डिस्कशन में ले लिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स तीन बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन करता है, लमाओ, कॉमकासा और बीका, तो जो कॉमकासा है जो कि है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, उसका एक फाउंडेशन भी रखी जाएगी इस 2+2 डायलॉग के अंदर। इसके साथ साथ एक ट्राई सर्विस जो कि है एम्बिशियस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, उसको भी किस तरीके से आगे लेकर आएंगे उसके बारे में बात होगी। इसके साथ साथ एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश हो सकती है बिटवीन इंडिया और डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं इंडिया के और जो यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके बीच में एक हॉटलाइन भी इस्टेब्लिश की जा सकती है। इसके साथ साथ चाइना की जो यहाँ पे नई पॉलिसीज चल रही हैं, जो चाइना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ्रीका के अंदर, चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर अपने जो मिलिट्री बेसिस को इस्टेब्लिश कर रहा है उसके अंदर भी बात हो सकती है। और किस तरीके से जो हम लोग क्वाड ग्रुप की बात करते हैं, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान का जो क्वाड ग्रुप है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए काउंटरिंग दी चाइना, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात की जाएगी। और किस तरीके से जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसका इंपैक्ट हमारे रुपी के ऊपर बढ़ रहा है, इस वजह से हमारे देश में जो चीज़ें हैं वो महंगी पे महंगी होती चली जा रही हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर भी बात की जाएगी। इसी के नीचे आपको एक और आर्टिकल मिलता है। आर्टिकल कह रहा है इलेक्शन कमीशन इज़ रूल्स ऑन यूज ऑफ स्पीकर्स फॉर कैंपेन्स। तो बेसिकली कैंपेन्स के अंदर जो स्पीकर्स का इस्तेमाल होता था उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था और उनका जो टाइमिंग है वो 8 AM से लेकर 7 PM के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। पर अब नए यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स आ गए हैं और उन्होंने उनको कहीं ना कहीं एक ईज़ कर दिया है, उनको आसान कर दिया है और अब जो कैंपेन पर्पज़ के लिए जो यहाँ पे जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा वो हो सकेगा 6 AM से लेकर 10 PM के बीच में। बहुत लंबा यहाँ पे अब समय कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे याद रखो जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान कुछ व्हीकल्स पे, ई रिक्शास पे फिट करके और फिर उनमें बहुत तेज तेज इलेक्शन की कैंपेनिंग की जाती है एंटायर प्रोसीजर के बीच में, उसको परमिट किया जाएगा ओनली बिटवीन 8 AM एंड 7 PM। तो ये चीज़ें याद रखना। और जो मूविंग लाउड स्पीकर्स होंगे वो जो एक एरिया होगा और जो टाइम पीरियड होगा उसके बाद अलाउ नहीं किए जाएंगे और यहाँ पे रिटर्न परमिशन भी ज़रूरी होगी कंपीटिंग अथॉरिटी द्वारा। अगर किसी भी पार्टी को यहाँ पे कैंपेन करनी है, किसी भी कैंडिडेट को कैंपेन करनी है तो उसको रिटर्न परमिशन लेनी होगी यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 11 की तरफ, न्यूज़ वाला ये सेक्शन है और यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का आर्टिकल मिलता है। जो ब्लू कलर वाला आर्टिकल है वो है स्पेशल आर्टिकल, न्यूज़ एनालाइज कर रहा है और कह रहा है यूथ मोर लाइकली टू चूज प्रोटेस्ट ओवर वोट। जो युवा वर्ग है वो प्रोटेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझता है वोट करने से। तो यहाँ पे जो बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से जो यंग एडल्ट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन खासकर इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है, इनके ऊपर जब सर्वे किया गया तो ये देखा कि वो लोग फॉर्मल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहे हैं,
फॉर्मल पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर घुसने से कतरा रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हम लोग राजनीति के अंदर नहीं घुसेंगे, पर हम लोग राजनीति को इन्फ्लुएंस करेंगे बाहर से धरना देकर, प्रोटेस्ट करके, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के, ये सारी चीज़ें करके हम लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल इस पूरी की पूरी रिपोर्ट का सार है। देखो तो यहाँ पे जिस तरीके से यंगर एडल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं पर वो फॉर्मल जो पॉलिटिक्स है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये कहना है ऑर्ब मीडिया के एक एनालिसिस का, जिसने डेटा लिया 979,000 पीपल का, जो कि 128 कंट्रीज से बिलोंग करते थे। इसके अंदर जो डेटा है वो इंडिया का भी इंक्लूडेड है। ये बोला गया है कि जो 40 ईयर्स के जो कम के जो लोग हैं जो कि वोट कर सकते हैं, 9% एंड 17% मोर लाइकली टू टेक पार्ट इन डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट करना बेहतर समझते हैं वोट करने या जो फॉर्मल पॉलिटिक्स है उसके अंदर जाने से। साथ ही जो यूथ है उसने शुरू से ही, अगर आप डेटा देखोगे, वोट करना कम पसंद किया है। वोटिंग अगर आप प्लेस देखोगे, कितने यूथ हैं, कितने के पास यहाँ पे इलेक्शन कार्ड्स हैं और कितने वोट करते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ही कम है नंबर्स में जो कि वोट करने जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे देश में या पूरी पूरी दुनिया में जिस तरीके से करप्शन हो रहा है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है, जिस तरीके से राजनीति के का को हम लोग समझते हैं कि राजनीति एक गंदी चीज़ है, उसके अंदर वो एक दलदल है जो कि एक सोसाइटी में तरीके का आप कह सकते हो एक स्टिग्मा फैल गया है, लोगों की सोच फैल गई है, उन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस हमें इस रिपोर्ट में देखने को मिला है। तो यही बोला गया है कि जो यूथ है वो चूज़ करते हैं इनफॉर्मल पॉलिटिक्स मोर, ओल्डर एडल्ट्स अवॉइड प्रोटेस्ट। तो जो एडल्ट लोग होते हैं वो प्रोटेस्ट को अवॉइड करते हैं, धरना करने को अवॉइड करते हैं, प्रदर्शन करने को अवॉइड करते हैं, और यूथ जो होता है वो ज़्यादा धरना और प्रदर्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि आजकल मैं और आप अपने देश में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि पॉलिटिक्स को मोरली कॉम्प्रोमाइज समझा गया है, कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी एथिक्स नहीं होते, कोई भी मोरल्स नहीं होते, तो इसी वजह से जो यूथ है वो कतरा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर घुसने से। तो एक बहुत ही छोटी सी लाइन खींच गई है यूथ के बीच में और पॉलिटिक्स के बीच में, और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से यूथ कैंपेन चलाकर फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो बड़ा मुद्दा है जो कि इंडिया के अलावा जिम्बाब्वे जैसी कंट्री में भी उठता आ रहा है, वो है करप्शन का, कि करप्शन को कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा देखा जा रहा है कि हर चीज़ में करप्शन होता जा रहा है, तो पॉलिटिक्स में तो ऑब्वियसली करप्शन होगा ही। तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर। बाकी सारी यहाँ पे कुछ डेटा रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं जो कि हमारी कंट्री से रिलेट नहीं करती, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 13, तो यहाँ पे सबसे पहली आपको न्यूज़ मिलती है FPI आउटफ्लो कंसर्न्स प्री पोस्टर्स से SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो SEBI का ये कहना है, SEBI के एक नया सर्कुलर सामने आ गया है जिसका ये कहना है कि इंडिया से आउटफ्लो हो सकता है $75 बिलियन का, और ये जो आउटफ्लो होगा ये मैक्सिमम पैसा NRIs बाहर लेके जाएंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि SEBI ने अप्रैल 10 को एक सर्कुलर निकाला था, उस सर्कुलर के अंदर बोला गया था कि जो NRIs होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियंस होते हैं, उनको अब बेनिफिशियल ओनर्स की कैटेगरी के अंदर नहीं देखा जाएगा किसी भी FPI के अंदर। अब यहाँ पे जो बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं उन्हें बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, एक्स्ट्रा उनको कुछ थ्रेशोल्ड दिए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो NRIs हैं उनको पास एक इम्प्रेशन बनता जा रहा है कि उनका जो फंड है वो अच्छी तरीके से अब मैनेज नहीं हो पाएगा। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि ये बेनिफिशियल ओनर्स होते क्या हैं। बेनिफिशियल ओनर्स की जो डेफिनेशन है वो मिलती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005 के अंदर, जो कि कहती है किसी भी पर्सन का यहाँ पे जब एक्सेस होता है उसके थ्रेशोल्ड से इन्वेस्टमेंट 15-25% होता है तो उन्हें बेनिफिशियल ओनर्स समझा जाएगा। ठीक है, कि उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से। तो यहाँ पे यही है कि पोटेंशियल आउटफ्लो हो सकता है $75 बिलियन का, ऐसा कहना है SEBI का। और यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनको अलाउ किया जाता था कि वो मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, याद रखना NRIs को परमिट किया गया है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन सिक्योरिटीज़ के अंदर, पर यहाँ पे उनके ऊपर एक लिमिट बांधी हुई है कि 5% ही कर सकते हैं किसी सिंगल सिक्योरिटी के अंदर, और वो इंडिया के अंदर से अगर डायरेक्टली करते थे इससे ज़्यादा तो उन्हें जो फंड मैनेजर्स होते थे उनके थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता था। अब जो NRIs हैं और जो उनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर एक अलग ही इम्प्रेशन बनता जा रहा है, जो इम्प्रेशन ये है कि जो नई जो फैसिलिटीज़ आई हैं, जो बेनिफिट
विषय ऑनर्स उनको अब नहीं मान रही हैं उससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा कहना है कि एम्पिरिकल स्टडीज़ का। तो जो बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं उनके एंड इट्स यूज़ ऑन प्लेसिंग इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई है, बेनिफिशियल ओनर्स भी अब उन्हें नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो NRIs है वो अपने पैसे उठा सकते हैं मार्केट से, जो शेयर मार्केट है, और $75 बिलियन इंडियन मार्केट से जा सकता है, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, समझने की कोशिश करो। वैसे ही हमारे डॉलर और रुपये के बीच में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और अब अगर $75 बिलियन चला जाता है तो उसका बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर देखने को हमें मिल सकता है। इसी के साथ आपको एक और न्यूज़ मिलती है, ब्रेक थ्रू अचीव्ड इन RCEP टॉक क्लेम्स इंडिया। तो बेसिकली अगस्त 30 और 31 के बीच में एक मीटिंग हुई सिंगापुर के अंदर, जहां पे जो RCEP जो कि प्रपोज ग्रुप है उसके जो मेंबर्स होने वाले हैं उनकी मीटिंग हुई और बातचीत की गई कि किन किन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होगा। पहले बात करते हैं RCEP के बारे में। RCEP है क्या? RCEP है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रपोज है अभी। इसके जो मेंबर्स होंगे वो 10 आसियान कंट्रीज़ और 6 और कंट्रीज़ हैं। जो 6 और कंट्रीज़ हैं वो हैं इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ कोरिया। अब बेसिकली RCEP का जो प्रपोजल है वो 2012 से चल रहा है, 2012 में जब आसियान की समिट हुई थी वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, और अब ये जो बनने का जो टाइम है 2018 के एंड तक बताया जा रहा था, पर अब जब मीटिंग के बाद सारी की सारी रिपोर्ट हमारे सामने आई है, क्योंकि हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु वो गए थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने, उनकी तरफ से बहुत सारी और चीज़ें भी सामने आई हैं। चीज़ें ये हैं, पहले बोला गया है कि 2019 के स्टार्टिंग में फाइनलाइज अप्रूवल हो सकता है RCEP का, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2018 के एंड तक हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंशियल टैरिफ रजीम्स भी लगाई जाएंगी हर एक कंट्रीज़ के ऊपर, इसके साथ 20 ईयर का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड भी दिया जाएगा कि 20 साल तक आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ लिंकेजेस हो सकते हैं सर्विस और गुड्स के नेगोशिएशन के ऊपर, जिसके ऊपर इंडिया ने बात करी, और यहाँ पे मेन चीज़ थी कि इंडिया चाहती थी देखो गुड्स और सर्विसेज अगर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेबर की, तो जो लेबर सर्विस होती है वो भी दी जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इंडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, इंडियन लेबर को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की भी यहाँ पे बात हुई। और इसके साथ साथ जो बायलेटरल जो कुछ हमें पैक्ट साइन करने हैं कुछ कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है इन तीन कंट्रीज़ के साथ, और तीन कंट्री हैं चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो उनके साथ हमें बायलेटरल एग्रीमेंट भी साइन करने हैं, वो भी हो सकते हैं इस साल के एंड तक। तो जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है रुपी ब्रिजेस 71.50 वर्सेस डॉलर। तो यहाँ पे जो रुपी है वो सबसे एक तरीके से ख़राब इम्पैक्ट होती हुई इकोनॉमी नज़र आई है और वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है पूरे के पूरे एशिया में इस साल, क्योंकि 11.5% से यहाँ से डेप्रिशिएट हुई है रुपी। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो डेप्रिशिएट है उसके ऊपर RBI को जितना ज़्यादा इंटरवेंशन करना चाहिए RBI उतना इंटरवीन नहीं कर रही, उतनी ज़्यादा रोक लगाने की कोशिश नहीं कर रही, और कुछ स्टेबलाइजेशन मेज़र हैं जो RBI ले सकती है, पर RBI को डर लग रहा है कि ये अगर मेज़र ले लिए जाएँ तो उसका कहीं और भी ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट ना हो जाए इकोनॉमी के ऊपर, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक आर्टिकल था। तो चलो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की तरफ। लाइव वाला ये पेज है और यहाँ पे खबर मिलती है जापान टू टेस्ट मिनी स्पेस एलिवेटर। एलिवेटर जिसे हम लोग लिफ्ट कहते हैं वो यहाँ पे मिनी स्पेस एलिवेटर फॉर्म हो गई है और जापान उसकी पहली टेस्टिंग करने वाला है, उसका पहला ट्रायल करने वाला है इसी महीने। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये 10 मीटर की केबल की मदद से एक सैटेलाइट की से दूसरी सैटेलाइट में यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैबिन को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उस जो कैबिन जो यहाँ पे जो एलिवेटर स्टैंड इन बॉक्स है उसका जो साइज़ है वो 6 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर वाइड है और 3 सेंटीमीटर ही उसकी हाइट है। अब अगर ये सफल होता है तो 2050 में जो टूरिस्ट जाएंगे स्पेस के अंदर उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो उन्हें मान लो कोई खाना पहुँचाना है, कोई फ्यूल पहुँचाना है, और भी सारी चीज़ें जो वहाँ तक हमें लेकर जानी है, इक्विपमेंट्स लेकर जाने हैं, तो ये एक जो आइडिया है बेसिकली इसलिए ट्रैक किया गया है। इसी के नीचे यहाँ पे एक और न्यूज़ मिलती है, डिमेंटिया कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। तो डिमेंटिया जो कि एक बीमारी होती है जिसके अंदर मेमोरी लॉस हो जाती है, भूलने की बीमारी जिसे हम लोग कहते हैं, उसको 10 साल पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसका लिंक पाया गया है एक स्पेसिफिक एज से, उम्र के साथ लिंक है, इसके साथ साथ एक प्रोटीन के वेरिएशन से। प्रोटीन का नाम है एपिलोप्रोपोटीन ई APOE जीन, तो वो जो जीन है उसकी मदद से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं 10 साल पहले, ऐसा कहना एक स्टडी का जिसको पब्लिश किया गया था कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक जर्नल में।
तो बस आज के पेपर में बस इतनी ही खबरें थी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ डिस्कशन करके। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके भी बता सकते हो आपको कैसा लगा। और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स अपलोड हो चुके हैं मेरे फेसबुक और टेलीग्राम पे, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लेना। कोई भी और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। आज की वीडियो का एंड करते हैं, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।